ये है साईं सरबती, ये साईं सरबती। अभी तक के मेरे को लगा है कि साईं सरबती सबसे अच्छा नींबू है, और पौधा भी आप देखिए, इसका फैलाव देखिए। और ये है फूले सरबती। इसमें दोनों में अंतर क्या है जी? फूले सरबती आप पौधे में देखिए, पौधा छोटा है, एक ही उम्र है इनके, और इसमें भरपूर जो है ना, इसमें कैनोपी का फर्क है। ये दिसंबर 2015 की प्लांटेशन बताई जा रही है, और देखिए 4 साल में कितना अच्छा पौधा है, और इस पर देखिए फूल भी आ रहे हैं, खूब फूल आ रहे हैं। वही 6x3 मीटर पर है। तो इसके पौधे जो साईं सरबती है, देखिए इसके कितने अच्छे वो हैं पौधे, आप देखते चले जाइए दूर तक। आइए मैं नींबू दिखाता हूँ साईं सरबती का, अब आपको एक ये देखिए कितना बढ़िया नींबू है इसका। ये देखिए उसे छिलका पतला, छिलका पतला है, और 40 ग्राम से बड़ा नहीं है, और बहुत अच्छा नींबू है, और इस पे पैदावार भी भरपूर आती है। कीवे बाहर लाइम, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। इस पर आप देख पा रहे हो फल की मात्रा, ये 4 साल का पौधा है, और इसका जो फल है देखिए ये साइज है ये, तो इसका फल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसमें देख पा रहे हो ये जो पक गया वो नीचे गिर गया है, और सिंगल सिंगल लगे हुए हैं इन पे, आप ये देखिए। दस वैरायटी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये आज 23 नवंबर 2019 का दिन है, और आप ये देख पा रहे हो 4 साल के पौधे पे जो इसने ग्रोथ कर रखी है, अब और आगे दिखा रहे हैं। इनके कुछ जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट कर लिए गए हैं, इसका फल चिकना है और काफ़ी अच्छा है, फ्रूट की मात्रा काफ़ी तादाद में है, ये आप देख पा रहे हो। ये ज़मीन से करीब 2 फीट ऊपर और करीब 6 फीट चौड़ा बेड बनाकर उस पर ड्रिप की सहायता से लगा रखे हैं। ये देखिए इसका जो छिलका आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत पतला छिलका है, और रस की मात्रा भी काफ़ी है। तो ये है किसान भाइयों वैरायटी, तो इसके आप देख पा रहे हो नीचे ब्रोडो पेस्ट किया हुआ है, और इसमें सब कहीं नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। तो 4 साल में इसमें जो फ्रूट आएंगे वो इतनी तादाद में आएंगे। देखिए ये इसमें ये लगे हुए हैं, जो नींबू पक जाते हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और आगे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये सभी यही पौधे हैं, इनकी हाइट करीब 7 फीट 8 फीट 9 फीट तक भी है कुछ की, तो आप देख पा रहे हो। बहुत बेहतरीन है ये, देखिए तो आप इनके अगर बाग लगाना चाहें
ये देखिए पूरा नींबू से भरा हुआ है पौधा। इसमें सिंगल सिंगल लग रहे हैं सभी में, कोई गुच्छे में नहीं है। तो ये है देखिए, बहुत बेहतरीन है, टेस्ट बड़ा लाजवाब है इनका। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, तुरंत टूट जाता है। किसान भाई इसका टेस्ट चेक किया है, वो बहुत ही खट्टा है, जो कि अपने घरेलू यूज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वैरायटी भी आप चयन कर सकते हैं। और इसको जो फल हैं वो हल्के से बड़े हैं औरों के मुकाबले। ये देखिए आप, लेकिन जो 4 साल का पौधा है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, फल की मात्रा लाजवाब है, इसकी कोई तुलना नहीं किसी से। ये अपने आप में, ये देखिए, ये 1 7 3। तो हमें इसका जो मार्केट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, और इसके जो फल है वो खुद ही ऐसे ही टूट के नहीं गिरते, बिल्कुल जब तैयार हो जाते हैं तब गिरते हैं। अगर गिर भी जाए तो पौधा, तो कोई भी फल खराब नहीं होगा, उसको 1 वीक तक भी अगर पड़ा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए गिरे हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं है, ये अब भी ताज़ा है।